हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त एकदम बिंदास होंगे। और जिनकी तबीयत ख़राब है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और दवाई लीजिए, क्योंकि वायरल फीवर, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि तबीयत ख़राब, कि वायरल फीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है, हर किसी को फीवर हो ही रहा है। तो जैसे मैं आप लोगों के साथ अपने रूटीन शेयर करती रहती हूँ, अपना लाइफ स्टाइल शेयर करती रहती हूँ, अपने दिल की हर एक बात आप लोगों से करती रहती हूँ, तो आज वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। कल रात से ही मन नहीं कर रहा था, सोचा तो था कि नए नए अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएंगे, बट देखो जब सब कुछ अच्छा होता है, जब सब कुछ ठीक होता है ना, तो वीडियो वगैरह बनाने का तभी मन करता है, तभी अच्छा लगता है। कुछ काम हो रहा है ना कंस्ट्रक्शन का, तो उस वजह से ना बहुत शोर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, तभी सब कुछ अच्छा लगता है ना। और तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ। मेरे बेटे की तबीयत 10 दिन से ख़राब है, मतलब फीवर जैसे हो जाता है ना बच्चों को, कि फीवर हो रहा था, फिर वो घूमने वगैरह गया था ना, वैष्णो देवी वगैरह, तो मेरे को लगा कि थकान है, ठीक हो जाएगा, बट थकान कभी भी ऐसा नहीं हुआ, 2 से 3 दिन में ही उसका फीवर ठीक हो जाता है, बट अब ना 10 दिन से ज़्यादा हो गए थे, मतलब फीवर हो रहा था। चेकअप में जिस दिन से बुखार है उस दिन से ही दवाइयाँ वगैरह दिलवा रही, फिर मैंने इनको बोला कि एक बार चेकअप करा लो आप, तो उसमें आया है इसको पीलिया, पीलिया हो जाता है, और अब कल रात को पता लगा टाइफाइड भी है। बहुत ज़्यादा वीक हैं बच्चे, और अब और ज़्यादा वीक हो गए हैं, कुछ खा नहीं रहा है वो, और अब खाने का उसका मन कर रहा है, तो मैं उसे रोटी नहीं दे सकती, क्योंकि पीलिया और टाइफाइड में रोटी नहीं देते हैं, सिर्फ दलिया या फिर खिचड़ी ये सब चीज़ें देते हैं, तो मतलब चैन नहीं आता। एक माँ होती है ना, उसको चैन नहीं आता। बैठी हूँ मैं, लेकिन अंदर से ये रहता है बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो सलूट है सब माओं को, कि जब माँ बनते हैं तभी एहसास होता है, अदरवाइज़ जब हमारी माँ थी हम उनकी तकलीफ़ों को समझते भी थे, लेकिन इतने अच्छे से नहीं समझते थे, क्योंकि ये चीज़ें ना जब आप माँ बन जाते हो तभी समझ पाते हो, उससे पहले आप नहीं समझ पाते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अंदर से, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम दिखा नहीं रहे तो हम परेशान नहीं है अंदर से, सबसे ज़्यादा तो परेशान होती है वो एक माँ ही होती है। तो मेरे को कल रात से जैसे पता लगा है कि उसको टाइफाइड भी है, तो हालांकि ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है बीमारी, होते हैं बच्चे बीमार भी होते हैं, बट भाई जब तक किसी माँ का बच्चा ठीक नहीं हो जाता प्रॉपर तरीके से, उसे चैन आता ही नहीं है, उसे चैन आएगा ही नहीं। और अंदर से मैं भी ये महसूस कर रही हूँ, बैठी हुई हूँ, अभी वो अपने डैडी के साथ दवाई लेने गया है, तो ये चीज़ें जो है ना मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं अपनी लाइफस्टाइल हर एक चीज़ शेयर करती हूँ। तो बस आप लोग जो भी मेरे को 2 लोग 4 लोग जो भी लोग देखते हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग प्रे करना कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, कुछ खाने पीने लग जाए मेरा बच्चा, क्योंकि तभी अच्छा लगता है सब कुछ, जब बच्चा ठीक होता है तभी सब कुछ अच्छा लगता है। तो मुझे ये तो नहीं मैं कह सकती कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, लेकिन जो भी वीडियो को देख रहा है ना, एक बच्चे के लिए कमेंट करके दुआ, मतलब कमेंट करना मत करना, पर्सनली दुआ ज़रूर कर देना कि बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए, कोई लाइक करना कमेंट करना मत करना, लेकिन अपने अंदर से ना एक दुआ ज़रूर निकालना भगवान से, भगवान से, अल्लाह से, जो भी जिसको भी आप मानते हो उससे, कि जल्द से जल्द मेरा बच्चा ठीक हो जाए, क्योंकि तभी मुझे चैन आएगा, तभी मुझे राहत मिलेगी, उससे पहले मुझे नहीं मिलने वाली है राहत। तो ये छोटू सी अपडेट थी आप लोगों के लिए, बस जैसे लगता है कि ठीक है सब कुछ तो कंटिन्यूसली वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। बाकी तो छोटी मोटी जो पहले की वीडियोस पड़ी रहती हैं ड्राफ्ट में, मैं उसको अपलोड करती रहती हूँ, एक्स्ट्रा में मैं हमेशा वीडियोस रखती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी, 5 बजे की उठी हुई हूँ, मेरी आंखों में नींद नहीं है, अब वो दवाई लेकर आ जाएगा, जब ये बता देंगे कि क्या है क्या चीज़ नहीं है, पहले से बेटर है या नहीं है, तभी मुझे राहत मिलेगी, तब तक मैं ऐसी बेचैन रहूँगी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक माँ, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से बाद में।